हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द कॉस्ट ऑफ 4 के जी अनियन थ्री के जी वीट एंड 2 के जी इज रुपीज सिक्सटी इसके बाद द कॉस्ट ऑफ 2 के जी अनियन 4 के जी वीट एंड 6 के जी इज नाइन्टी और इसके बाद कॉस्ट ऑफ 6 के जी अनियन 2 के जी वीट और 3 के जी इज रुपीज़ सेवेंटी फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर के जी बाई मैट्रिक्स मैथड तो इसको सॉल्व करते हैं फोर के जी अनियन थ्री के जी वीट और टू के जी राइस आपको निकालना क्या है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर के जी तो हम अज्यूम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अनियन पर के जी इक्वल्स कितना रुपीज एक्स ले लेते हैं इसको साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ वीट पर के जी इसको मान लेते हैं रुपीज़ वाई है और लास्ट में लेट कॉस्ट ऑफ राइस पर के जी इक्वल्स रुपीज़ जेड ठीक है तो अब पहली बात क्या बोल रहे हैं फोर के जी अनियन थ्री के जी वीट और टू के जी राइस का प्राइस है सिक्सटी फोर के जी अनियन तो एक के जी का प्राइस एक्स है तो फोर के जी का क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस थ्री के जी वीट वो हो जाएगा थ्री बाई टू के जी राइस टू जेड कितना है रुपीज सिक्सटी तो टोटल प्राइस रुपी सिक्सटी ये एक इक्वेशन आ गई अब दूसरी बात जो है टू के जी अनियन इसका प्राइस हो जाएगा टू एक्स फोर के जी वीट इसका प्राइस हो जाएगा फोर वाई प्लस सिक्स के जी राइस इसका प्राइस हो जाएगा सिक्स जेड टोटल प्राइस कितना है ये नाइन्टी और लास्ट वाला क्या है सिक्स के जी अनियन सिक्स एक्स प्लस टू के जी वीट टू वाई प्लस थ्री के जी राइस थ्री जेड ये वैल्यू कितनी है सेवेंटी तो अब आपको निकालना है एक्स वाई और जेड और ये तीन इक्वेशन आपकी एक्स वाई जेड में आ गई और मैट्रिक्स मेथड यूज करना है तो अभी तक जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करना है तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स में तो मैट्रिक्स में पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें मैट्रिक्स फॉर्म कैसे आएगा सबसे पहले क्वेश्चन मैट्रिक्स फोर थ्री टू थ्री टू टू फोर सिक्स और सिक्स टू थ्री सिक्स टू थ्री इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई और जेड हैं तीन वेरिएबल्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वैल्यूज सिक्सटी नाइन्टी और सेवेंटी तो ये तो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया इसको ए बोल दें इसको एक्स बोल दें इसको बी बोल दें तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स टू बी इस फॉर्म में आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले डिटर्मेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा डिटर्मेंट ऑफ ए कितना आएगा फोर थ्री टू टू फोर सिक्स सिक्स टू थ्री तो इसको रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं फोर इंटू ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ज़ीरो माइनस थ्री इंटू सिक्स माइनस थर्टी सिक्स सिक्स माइनस थर्टी सिक्स प्लस टू इंटू फोर माइनस ट्वेंटी फोर कितना आया ये जीरो ये है माइनस थर्टी इंटू माइनस थ्री नाइन्टी ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी इंटू टू माइनस फोर्टी ये हो गया फिफ्टी जो कि ज़ीरो नहीं है तो मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए जैसे अभी तक करते आए हैं क्या होगा मैट्रिक्स इक्वेशन उठाया ए एक्स इक्व टू बी और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल्स बी तो ये ये बी नहीं होगा सॉरी ये हो जाएगा ए इनवर्स बी ये वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स इंटू ए आई और आई इंटू एक्स एक्स हो गया एक्स इक्वल्स ए इनवर्स बी तो आपको ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा और बी आपको पता है पहले से तो अब पहले ए इनवर्स निकालें अब आपको पता है ए इन्वर्स क्या होता है वन अपॉन डिटर्मेंट ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए डिटर्मेंट ए हमने निकाल लिया फिफ्टी एड जॉइंट ए आपको निकालना है उसके लिए सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तो इसके लिए पहले एक बार ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स है फोर थ्री टू टू फोर सिक्स सिक्स टू थ्री तो निकालते हैं फिर सारे कोफैक्टर्स ए वन वन ए वन वन आएगा माइनस वन की पावर टू इंटू इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो तो ये तो ज़ीरो आ गया फिर ए वन टू माइनस वन की पावर थ्री और इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे सिक्स माइनस थर्टी सिक्स माइनस थर्टी अब माइनस वन इंटू माइनस थर्टी हो गया प्लस थर्टी इसके बाद ए वन थ्री माइनस वन की पावर फोर इंटू इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है फोर माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी ये आ गया माइनस ट्वेंटी इसके बाद ए टू वन माइनस वन की पावर थ्री इंटू इस एलिमेंट का माइनर ये हो जाएगा नाइन माइनस फोर फाइव माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव ए टू टू माइनस वन की पावर फोर इंटू इस एलिमेंट का माइनर ये हो जाएगा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो ये आ गया ज़ीरो ए टू थ्री माइनस वन की पावर फाइव इंटू ए टू थ्री इस एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ेगा तो एट माइनस एटीन माइनस टेन अब माइनस वन इंटू माइनस टेन ये हो जाएगा प्लस टेन अगला ए थ्री वन माइनस वन की पावर फोर इंटू इस एलिमेंट का माइनर ये होगा एटीन माइनस एट टेन वन इंटू टेन टेन ए थ्री टू ए थ्री टू होगा माइनस वन की पावर फाइव इंटू इस एलिमेंट का माइनर ट्वेंटी फोर माइनस फोर ट्वेंटी माइनस वन इंटू ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी ए थ्री थ्री माइनस वन की पावर सिक्स इंटू इस एलिमेंट का माइनर सिक्सटीन माइनस सिक्स टेन वन इंटू टेन टेन तो एडजोइंट ए आपका ये निकल जाएगा तो डायरेक्टली ए इन्वर्स के फॉर्मूले में लिख लें ए इन्वर्स इक्वल्स वन बाई डिटामेंट ए डिटर्मेंट ए क्या था फिफ्टी एडजोइंट ए वैल्यूज रख लेते हैं ऑर्डर से ज़ीरो थर्टी और माइनस ट्वेंटी जीरो थर्टी माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव जीरो और टेन माइनस ट्वेंटी टेन टेन माइनस ट्वेंटी और टेन यह आपका ए इन्वर्स आ गया आपको निकालना क्या था आपको निकालना है एक्स जो कि है ए इनवर्स इंटू बी तो एक्स निकालें एक्स है ए इन्वर्स इंटू बी ए इनवर्स है वन बाई फिफ्टी ज़ीरो माइनस फाइव टेन थर्टी जीरो माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टेन टेन इंटू ये होगा बी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स थी आपकी सिक्सटी नाइनटी सेवेंटी सिक्सटी नाइन्टी और सेवेंटी तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक्स मैट्रिक्स आएगी आपकी वन बाई फिफ्टी थ्री क्रॉस वन थ्री क्रॉस थ्री और थ्री क्रॉस वन तो मैट्रिक्स आएगी आपकी थ्री क्रॉस वन की मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो और ये वाला कॉलम देखना है ये होगा ज़ीरो माइनस फोर फिफ्टी प्लस सेवन हंड्रेड अगला सेकेंड रो और ये वाला कॉलम ये होगा एटीन हंड्रेड फिर जीरो उसके बाद माइनस फोर्टीन हंड्रेड अगला वाला ये वाली रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेल्व हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड और प्लस सेवन हंड्रेड तो ये हो जाएगा वन बाई फिफ्टी यह आ जाएगा सेवन हंड्रेड माइनस फोर फिफ्टी टू फिफ्टी एटीन हंड्रेड माइनस फोर्टीन हंड्रेड फोर हंड्रेड ये हो जाएगा थर्टीन हंड्रेड सॉरी ये हो जाएगा सिक्सटीन हंड्रेड माइनस ट्वेल्व हंड्रेड फोर हंड्रेड अब वन बाई फिफ्टी से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाएगा फाइव एट और एट एक्स मैट्रिक्स क्या थी एक्स वाई और जेड जो कि है फाइव एट और एट तो एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं एक्स इक्ल टू फाइव वाई इक्वल टू एट और जेड इक्वल्स टू एट तो क्या क्या था एक्स क्या था प्राइस ऑफ अनियन पर के जी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा तो प्राइस ऑफ अनियन पर के जी क्या हो गया इक्वल्स रुपीज फाइव प्राइस ऑफ व्हीट पर के जी हो गया कितना था वाई था वो हो गया रुपीज एट और प्राइस ऑफ राइस पर के जी यह है रुपीस एट ये आपका आंसर आ गया